वोट नहीं बदलेंगे, मैं तो केजरीवाल को ही दूंगी। क्यों, हमारा हम हैं जमादार, जाति हैं जमादारी, और हमारे लिए तो केजरीवाल ने बहुत किया, झाड़ू के लिए भी, पानी का भी, बिजली का भी बहुत किया है, इसलिए हम वोट नहीं बदलेंगे, चाहे जीते या नहीं जीते, हम केजरीवाल के साथ हैं। कमी है, ये तो लड़ाई झगड़े आफत मचाता फिर, काम कुछ है नहीं, कभी मेट्रो फ्री, कभी बस फ्री, क्या करेंगे, सारा कुछ फ्री कर देंगे तो क्या मिलेगा पब्लिक को, सारा ही फ्री दे दे सबको भाई, अगर कोई चीज़ मिली है तो उसका पैसा पे करो। घुमाइए सड़क, देखिए कैसी हो रही है, अंकल जी तो रोज दिन में दो बारी गिर जाते हैं, पूरी मार्केट खुदी पड़ी है, विधायक जी का आने का नाम नहीं है, 5 साल में कितनी बारें आई हैं जी, दो बार भी मुश्किल से नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, पब्लिक को बहका दिया था, पब्लिक ना बोली भाली थी, आ गई बहकावे में, लेकिन अब नहीं, पब्लिक समझदार है, वो देख रही है पिछले 5 साल में मोदी जी का काम और केजरीवाल का काम, ऐसा कुछ नहीं, अपने आएगा, पहले हम अपनी 50 सीटें ले आए, उसके बाद हम, बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे पास, मुख्यमंत्री के बहुत कैंडिडेट हैं हमारे पास। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं Access 24, मेरी दिल्ली मेरा वोट। 70 विधानसभाओं की सीरीज की शुरुआत आज हम लोग मेहरौली से कर रहे हैं। मेहरौली ऐतिहासिक शहर, आप हमारे पीछे कुतुब मीनार को देख सकते हैं, ऐसी और कई पुरातत्व इमारतें इस एरिया में मौजूद है, और कहा जाता है जैसे पुरानी दिल्ली का इतिहास है वैसा ही मेहरौली का भी इतिहास रहा है। राजनीति की बात करें तो यहाँ 2015 में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी, जैसे कि पूरी दिल्ली में बाजी मारी थी, 66 विधानसभा सीटें उन्हें मिली थी, तो ये वाली सीट भी उनके खाते में आई थी। नरेश यादव यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी से विधायक बने थे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरिता चौधरी को 17,000 वोटों से हराया था। हालांकि अगर बात की जाए कांग्रेस को तो मात्र केवल उन्हें 12,000 वोट मिले थे आपको इस क्षेत्र में सतबीर सिंह को, कहा जाए तो इस क्षेत्र में आपको 1,13,000 वोट्स आपको 2015 में पड़े थे, लेकिन पाँच साल केजरीवाल ने मांगे थे, 5 साल जनता ने उन्हें दे दिया, लेकिन 5 साल बाद क्या परिस्थिति है आज हम जानने आए हैं। मेहरौली में लोगों का मूड क्या है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं 3 महीने बाद, उसमें क्या वो फिर से केजरीवाल को वोट देंगे या फिर कोई बदलाव लेकर आएंगे। नहीं, बस अभी आया, बस 5 मिनट में। हाँ, बस अभी आया। केजरीवाल को जाते हो, भारतीय जनता पार्टी को बोलो किसकी तरफ हो। तो हम इस वक्त मेहरौली की तंग गलियों में आ गए हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, बड़ी ही पतली गलियाँ हैं, आपको संकरे मकान हैं, और यहाँ पर हर जगह आपको व्यवसाय दिखता है, दुकानदार हैं, लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो टेलरिंग का काम करते हैं, इनकी अपनी दुकान है, मेहरौली का ही बिलोंग करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? डालचंद। अब आने वाले विधानसभा चुनाव है, केजरीवाल को आपने 5 साल दिए, अब क्या किसको वोट देना है इस बार? केजरीवाल को ही देंगे, केजरीवाल को। क्यों, क्या खास? बस ऐसे ही, जैसा वो काम कर रहा है दिल्ली के लिए ऐसे ही वोट दे देंगे। भाजपा को नहीं चुनेंगे? इन्हें फ्री का माल चाहिए, फ्री वाले हैं। केजरीवाल फ्री माल देता तो उसी को वोट देंगे। और क्या? क्या क्या काम किए, मतलब किस तरह? नरेश यादव यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए? देखो जी, फिलहाल तो केजरीवाल ही कर रहा है काम, नरेश यादव भी कुछ नहीं इतना कोई खास वो दिखा रहा है, समझे? बाकी हाँ, इन्होंने अस्पतालों में, स्कूलों में, और जैसे गरीब शरीफों को तो काम कर ही रहा है वो, समझे ना? ऐसे तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल दिल्ली में आके उन्हें कुछ करके ही नहीं दिखाया, बाकी दिखा तो रहा ही है वो पब्लिक के लिए बस। तो फिर से केजरीवाल। तो हमारे साथ एक मैडम है, मैडम आपका नाम, नाम क्या है? सुशीला। तो इस जो है, आप जान रहे हैं केजरीवाल जी यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री है। हाँ जी। और तो इस बार क्या, आप लोग चुनाव आने वाले हैं 4 महीने के भीतर, तो क्या इस बार आप लोग वोट बदलेंगे या फिर? वोट नहीं बदलेंगे, मैं तो केजरीवाल को ही दूंगी। क्यों, हमारा हम हैं जमादार, जाति हैं जमादारी, और हमारे लिए तो केजरीवाल ने बहुत किया, झाड़ू के लिए भी, पानी का भी, बिजली का भी बहुत किया है, इसलिए हम वोट नहीं बदलेंगे, चाहे जीते या नहीं जीते, हम केजरीवाल के साथ हैं। तो केजरीवाल ने आपके क्षेत्र मेहरौली में, आप रहती हैं, तंग गलियां हैं, हम देखते हैं यहाँ पर सब मकान, जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, बिजली के तार अस्त व्यस्त हैं, फिर भी केजरीवाल अच्छा है हमारे लिए तो? केजरीवाल बहुत अच्छा, गरीब गरीब के लिए बहुत अच्छा है। मोदी ने क्या किया? मोदी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, हमारे मोदी ने इसलिए नहीं किया, हमारे लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे लिए मोदी? ये इतना गुंडागर्दी है, सब कुछ है, हैं क्या कर रहे हैं मोदी बताओ? हैं, कहीं छुरी चल रही है, कहीं चाकू चल रहे, कहीं गोली चल रही है, कहीं सब कुछ चल रहा है,
कम से कम मैं कहती हूँ ऐसा नेता आए, गुंडागर्दी खत्म हो जाए और महंगाई कम हो जाए और आराम से लोग बाग खाएं पिए मौज लें, बस और क्या चाहिए। मगर मैं तो आए साल केजरीवाल को ही देती वोट। तो इस वक्त हम एक कपड़ों की दुकान में हैं, यहाँ पर लहंगा चुन्नी तरह तरह का मिलता है और यहीं पर भाई साहब हैं अखबार पढ़ रहे हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना इनसे पूछ लें इनके मन में क्या है। अब विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है, तो आपने क्या मन बनाया इस बार किसको चुनेंगे, फिर से केजरीवाल या बदलाव? नहीं, मोदी। मोदी तो केंद्र में है, वो तो 2024 तक फिक्स है। ये भी राज्य सरकार भी दिल्ली में बीजेपी का आएगा। तो केजरीवाल से आप नाखुश क्यों हैं? नहीं, केजरीवाल से खुश नहीं, सेंटर में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी आएगी, अब के विधानसभा बीजेपी। ऐसा क्यों, आप मतलब आप क्यों चाहते केजरीवाल ने काम जो किया आप उसे नाखुश है, क्या क्या कमियां नजर आई आपको? कमी है, ये तो लड़ाई झगड़े आफत मचाता फिर काम कुछ है नहीं, कभी मेट्रो फ्री, कभी बस फ्री, क्या करेंगे, सारा कुछ फ्री कर देंगे तो क्या मिलेगा पब्लिक को, सारा ही फ्री दे दे सबको भाई। अगर कोई चीज़ मिली है तो उसका पैसा पे करो, अब सारा ही काम फ्री कर दोगे तो फिर क्या रहेगा सरकार के पास, कभी मेट्रो फ्री, कभी बस फ्री, कभी बिजली फ्री, सारा कुछ फ्री दे देंगे तो और क्या होगा। तो आपको क्या लगता है भाजपा आएगी तो क्या क्या बदलाव लेकर आएगी? भाजपा आएगी सब काम ठीक करेगी, जैसे व्यवसाय के बारे में बात मानी जा रही है कि जो व्यवसाय है काफ़ी डाउन चल रहा है, तो आप लोगों के व्यवसाय में कितना असर पड़ा इसका? भाई ये तो सब चलता ही रहेगा, ये तो कुछ नहीं रुकेगा, ये तो लोगों की आफत हो रही है कि भाई कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सबका ठीक चल रहा है, कोई आफत नहीं है, लोगों की आदत बन रही है, काम मंदा है, कोई मंदा नहीं, सबका ठीक चल रहा है। तो आप किसको मुख्यमंत्री देख के रूप में देखना चाहेंगे दिल्ली के? तो खूब पार्टी जिसे भी करेगी, मतलब वोट भाजपा को, वोट भाजपा फिक्स। तो हम इस वक्त मेहरौली की एक दुकान पे खड़े हैं, यहाँ पर एक हमारे भाई साहब हैं, आपका नाम क्या भाई साहब? अशोक कुमार जैन। तो आप कैसे खुश हैं केजरीवाल के 5 साल की सरकार से? नहीं, खुश तो बहुत कुछ है, लेकिन कार्य भी अच्छे किए हैं, ये नहीं कि नहीं किए, लेकिन परिवर्तन क्या आएगा ये नहीं कुछ कह सकते। जैसे आप 5 साल की सरकार में आपने देखा ये सरकार, तो बाकी पहले की आपने सरकार देखी, शीला दीक्षित की सरकार से? ये बहुत अच्छी सरकार है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कार्य कितने किए हैं इनका मैं समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे किए हैं जो भी किए। तो आप लोगों ने वोट का क्या मन बना रखा है कि फिर से केजरीवाल मुख्यमंत्री? अभी कुछ नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। जैसे आपके जो विधायक हैं नरेश यादव यहाँ जो चुन कर आए, उन्होंने कैसा काम किया आपके क्षेत्र के? हमारे क्षेत्र में कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन समय पर नहीं आते, अपने समय पर नहीं आते, कभी उनके घर में भी मिलने जाएँ तो नहीं मिलते। अच्छी बात तो ये है कि उन्हें मिलना चाहिए और समय समय पर अपने क्षेत्र को देखना चाहिए। समस्याएं क्या क्या है मेहरौली की? मेहरौली में सबसे बड़ी तो समस्या पानी की है, अब नालियों की है, सफाई की है, सड़क की है। देखो ना, टूटी पड़ी है सारी, पीछे इन्होंने नल के लगवाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो कार्य अधूरा ही छोड़ा पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, कम से कम हमारी जनता को तो देखेगा कि जौन से बूढ़े लोग हैं वो कैसे इस पर चलेंगे, कहीं गिर गया तो कौन उठाने वाला है, आपस वाले भाई और सहयोग दे दे तो दे दे, नहीं तो कोई नहीं देता। केजरीवाल को आप कितने मार्क्स देंगे, 5 में कितने नंबर देंगे उनके कार्यकाल? ये तो मार्क्स आ गए तो फिर तो सारा कुछ ही आ जाएगा, आप तो घुमा के बात कर रहे हैं ऐसी। मैंने कहा कि ये समय बताएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा, अभी 5 महीने बाकी हैं, 5 महीने में ये क्या पता और ऐसा परिवर्तन ला दे कि इन्हीं की सरकार आ जाए, और ये ना बना सके तो विपक्ष आ जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप बंसल। आपने क्या मन बना रखा है? मेरा मन तो देखो जी, जो हमारे लिए काम करेगा, कार्य करेगा, हम तो वोट इसी को ही देना चाहेंगे। एक हमारे विधायक जी हैं जो 5 साल में मुश्किल से मेहरौली में 2 बार भी नहीं आए हैं, आप कंडीशन देख लो, पानी की लाइनें देख लो, बिजली की समस्या देख लो, तारें देख लो, कोई काम करके राजी नहीं है, मिलने जाते हैं मिलते नहीं हैं। जैसे केजरीवाल की बड़ी चर्चा रहती है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, देश दिल्ली को बदल दिया, उस पर इसमें तो कोई शक नहीं है, केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं बच्चों के स्कूलों के लिए, बहुत बढ़िया स्कूल बनवा दिए उन्होंने, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई हो रही है, बच्चों की कार्य बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ वगैरह गलत हैं थोड़ी। क्या गलत लग? गलत, काफ़ी गलत हैं, एक ही पार्टी के पीछे पड़े रहना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वोट मुझे दो मुझे दो मुझे दो, यूँ करते रहते हैं।
आप अपने क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हैं? जो हमें क्या, हम तो साधारण नागरिक हैं, हमें क्या चाहिए? हमें तो सड़कें अच्छी चाहिए, बिजली पानी अच्छा चाहिए, बस यही होता है। और क्या आम नागरिक का क्या होता है? ये देख लीजिए आप, सड़क की कंडीशन देख लीजिए, घुमाइए सड़क, देखिए कैसी हो रही है। अंकल जी तो रोज दिन में दो बार ही गिर जाते हैं। पूरी मार्केट खुद भी पड़ी है, विधायक जी का आने का नाम नहीं है। 5 साल में कितनी बारें आई हैं जी? दो बार भी मुश्किल से नहीं आए हैं। अब की बार मेहरौली से तो आम आदमी पार्टी का जितना बड़ा मुश्किल है। अब टफ कंडीशन होगा। माना जाता है जैसे स्कूली शिक्षा में काफ़ी बदलाव लाया, अस्पतालों में काफ़ी बदलाव लाया, उस पर आप क्या कहेंगे? अस्पतालों में भी गरीब आदमियों को दवाइयाँ मिलने लगी हैं, उनका इलाज होने लगा है। स्कूली शिक्षा भी बहुत अच्छी, पहले से बहुत बढ़िया हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दो काम तो बहुत बढ़िया किए उन्होंने। जैसे पहले गरीब आदमियों को दवाइयाँ नहीं मिलती थी, वो बेचारे पैसे की वजह से दवाइयाँ नहीं ले पाते थे, अब उनको दवाइयाँ भी मिलने लगी हैं, उनका इलाज भी हो रहा है अच्छे से। उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने लगे हैं, अपना वो BPL कार्ड दिखा के उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये 2-3 काम बहुत बढ़िया किए हैं उन्होंने। तो बदलाव इस बार आप लाना चाहते हैं क्या अपने क्षेत्र में यहाँ से? देखो जी, बदलाव का तो ऐसा है कि जनता ने क्या मन बना रखा है ये तो हमें मालूम नहीं है। जनता को क्या चाहिए? उनको इलेक्ट्रिसिटी में एक सब्सिडी मिल रही है, उनको सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है 200 यूनिट तक बिजली फ्री में है, पानी भी फ्री मिल रहा है उनको। जनता को, गरीब जनता को क्या चाहिए? ये 2-3 काम चाहिए होते हैं, वो मिल रहा है तो देखो आगे क्या किस करवट उठ बैठता है। ये तो इलेक्शन आएंगे जब ही पता चलेगा। जो पहले पुराने टाइप के मकान थे वो फ्लैटों में तब्दील हो गए हैं, जहाँ एक घर में 4 आदमी रहते थे वहाँ पे अब 40 आदमी रहते हैं और फ्लैट बन गए हैं। ट्रैफिक तो अपना भी होगा, हर घर में स्कूटर है, साइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है। अब देख लो आपने सब ने गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर रखी हैं, आप इधर से जाओगे सारा रास्ता ब्लॉक है। आप 2 स्कूटी यूँ नहीं ले जा सकते, पैदल यूँ नहीं जा सकते, इतना ट्रैफिक रहता है, सारे में एंक्रोचमेंट हो रहा है जी, पार्किंग की बड़ी समस्या है। इस वक्त हम मेहरौली की एक और दुकान में हैं, संजय जैन जी हैं, इनकी डिस्पोजेबल की दुकान है। संजय जैन जी, मेहरौली पुराना शहर इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपने जो यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं नरेश यादव, उनके काम से आप खुश हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है जी। मेहरौली का इन 5 सालों में कोई वो नहीं हुआ। अभी चुनावी साल आ गया है तो नरेश यादव जी यहाँ पर ध्यान देने लग गए मेहरौली के अंदर। पिछले 4 सालों में कोई कहीं आए गए नहीं, कहीं गए नहीं है। मेहरौली का सारा सीवरेज सिस्टम जो कि उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो सीवरेज है वो तो उनके हाथ में है, दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है। कोई कहीं नहीं, आप जाएंगे नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी बाहर आ रहा है, सीवर का पानी बाहर आता है, कोई कुछ नहीं है। अभी 2 साल से इन्होंने बोरिंग शुरू करी गई, लेकिन उस बोरिंग का कुछ नहीं है। आप देखेंगे सड़क वैसे ही सकरी है, उसके बाद भी उन्होंने 20 सड़क पर बोरिंग करा दी है, उसके ऊपर इतने उठा दिए हैं, सारी गली सक्रिय हो गई है, ना निकलने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है, ना आने का है। अब पानी की लाइनें डल रही हैं, सारी मेहरौली खोद रखी है उन्होंने, ना कोई आने का नहीं। इस टाइम भी सड़कें बंद है, आप किशनगढ़ जाएंगे मेहरौली से, किशनगढ़ निकल के जाएंगे तो सारी सड़क बंद पड़ी है, वो कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। धूल उड़ रही है, लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ कहने का नहीं। मेहरौली के 4 एंट्री पॉइंट हैं, आप चारों में जाइए आपको जाम मिलेगा, सब जगह मिलेगा। स्कूल के टाइम में जब बच्चों का आना जाना होता है उस टाइम में 1-1 घंटे हमारे को, 15 मिनट के सफ़र में 1-1 घंटा हमारे को लग जाता है आने में, कोई प्रॉपर वो नहीं है उसके अंदर। केजरीवाल के 5 साल के शासन, जैसे दिल्ली की जनता ने दिल खोल कर उनको वोट दिया 2015 में, तो क्या इस बार आप बदलाव लाएंगे या फिर से केजरीवाल को चुनेंगे? देखो जी, बिल्कुल बदलाव लाना है हमारे को, मोदी जी को साथ ले आना है। मोदी जी ने जो काम करे हैं अपने, जो 370 हटाई है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इस चुनाव में वो भी काम करेगा पूरा। जो उनके फैसले लेने के डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन, उतना कोई आदमी नहीं ले पाता है। केजरीवाल जी ने अब 2019 का इलेक्शन जब हार गए हैं, तब वो मेहरौली की तरफ, दिल्ली की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उससे पहले वो, मैं कभी वहाँ इलेक्शन लड़ूंगा ना वहाँ लड़ूंगा, सिवाय मोदी जी को गाली देने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं करा है। तो केजरीवाल जी को बड़ी नाम होता है कि स्कूलों की सुधार दिया, जो है मेडिकल व्यवस्था सुधार दी, तो आप क्या उनके कामों से खुश हैं या नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं सुधारी, आप चलिए मैं स्कूलों में चलिए, कहीं के सुधारे हों तो पता नहीं, हमारे मेहरौली का तो सुधार ऐसा हुआ है कि कुछ है ही नहीं। आप मेहरौली के स्कूलों में जाइए ना, वहाँ की कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन रख रखी है,
सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। मेहरौली के स्कूलों की इतनी बुरी हालत हो रही है, कुछ कहने की आदमी कोई जाता ही नहीं है। कोई MCD के स्कूल फिर भी हमारे सही हो रहे हैं, हमारे जो काउंसलर साहब हैं वो फिर भी सही काम कर रहे हैं। हमारे दोनों की, हमारी जो काउंसलर है यहाँ की, वो उनकी वो स्वास्थ्य समिति की जो अध्यक्ष बनी हुई है, चेयरपर्सन है, 2 साल से हैं, उन्होंने कितना बढ़िया काम कर रखा। आप जाके देखिए, नई डिस्पेंसरी बनी है होम्योपैथिक की यहाँ पे। हमारे दिल्ली का CM आप किन को देखना चाहते हैं, क्या बदलाव लेकर आए, तो कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ CM? बहुत सारे हैं, वो इलेक्शन के बाद देखेंगे, पहले अपनी उतनी सीटें लिया है। उसके जैसा सवाल होता है, मोदी नहीं तो कौन, तो फिर दिल्ली में केजरीवाल नहीं तो कौन? नहीं हो सकता ना, कि उनका जवाब क्या होता है कि हम पहले सरकार बना, सत्ता में आ रहे फिर हम उसको जवाब देंगे। उसी तरह पहले मैं अपने 46 सीटें लिया है, हमारा टारगेट है 50 से ऊपर सीटें लाने का, लेकिन पिछली बार तो केवल 3 सीटें मिली। कोई बात नहीं, पब्लिक को बहका दिया था, पब्लिक बोली भाली थी, आ गई बहकावे में, लेकिन अब नहीं, पब्लिक समझदार है, वो देख रही है पिछले 5 साल में मोदी जी का काम और केजरीवाल का काम। ऐसा कुछ नहीं, अपने आएगा, पहले हम अपनी 50 सीटें लिया है, उसके बाद हम, बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे पास, मुख्यमंत्री के बहुत कैंडिडेट हैं हमारे पास, जब आएगा वक्त तो आप देखेंगे बढ़िया से बढ़िया मुख्यमंत्री देंगे, जो केजरीवाल को भी दिखा देगा।